हेलो एवरीवन, एन के शर्मा ट्यूटोरियल वेलकम्स यू। और जैसे आपका 5 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन जो है आज अभी कवर कर रही हैं। सारे क्वेश्चन वेरीफाइड हैं और सारे आंसर्स को प्रॉपरली चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपके आप तक लाया जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण? तो इसका आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर टू है, इफ वन एक्शन ऑकर्स मोर देन अनदर इट कैन बी यूज टू रेनफोर्स द एक्टिविटी दैट ऑकर्स लेस ऑफ वन। तो बोलिए रहा है कि एक एक्टिविटी जो है दूसरे से ज़्यादा होती है, जो बेसिकली जिसको हम क्लास में स्टूडेंट के साथ एक पॉजिटिव एक्टिविटी जिसको जो कि हम ज़्यादा करवाना चाहते हैं और दूसरी जिसकी कम है, तो उसको किस एक रेनफोर्समेंट दे के उसको कुछ जैसे रेनफोर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर उसी जो बेसिकली हम जाते हैं एक्टिविटी हमारे स्टूडेंट करें उसको करवाने के लिए, अगर हमें कौन सा किसकी थ्योरी है कि रेनफोर्समेंट के थ्रू हम इसको करवा सकते हैं, तो ये आएगा स्किनर का। क्योंकि स्किनर ने क्या किया था कि जो उसके पिजन्स थे उनको बेसिकली बंद किया हुआ था एक पिंजरे के अंदर, और जितनी बार भी वो राइट अटेम्प्ट करते थे उतनी बार उनको खाना मिल जाता था। इसका राइट आंसर होगा स्किनर का प्रिंसिपल यही है। एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो जो ब्लूम था, ब्लूम के अकॉर्डिंग कौन सा जो है डोमेन्स नहीं था कॉग्निटिव का, तो इसका आएगा रिस्पॉन्डिंग। बाकी सारे हैं एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस, इसके अलावा नॉलेज भी इसका एक पार्ट होता है, लेकिन रिस्पॉन्डिंग उस पर नहीं होता। नंबर फोर है, किम चेंज हर मोबाइल नंबर एंड कोट अ न्यू नंबर। व्हेन समवन आस्क्ड हर न्यू नंबर शी कुड रिकॉल ओनली 3 डिजिट्स ऑफ हर न्यू मोबाइल नंबर। तो उसका जो नया नंबर था उसको किस वजह से 3 थे, इसका आएगा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि पहले वाला नंबर उसके मेमोरी में ज़्यादा सेफ है, इसलिए वो नए नंबर को नहीं पहचान पा रही थी। दिस इज द राइट आंसर। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर आई थिंक फिफ्थ वन इज देयर। यस, ये रहा फिफ्थ वन आपका। फिफ्थ वन बोलता है, निम्नलिखित से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कौन सी विशेषताएं नहीं है, यानी कि क्या नहीं होता ऑटिज्म की वजह से? तो सामाजिक इंद्रियक्रिया में समस्या बिल्कुल आती है, और इसके शाब्दिक शाब्दिक संप्रेषण यानी बात करने में प्रॉब्लम होती है, और रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर होता है। तो इसमें से आएगा इसका राइट ऑप्शन होगा, देखने व सुनने में समस्या नहीं होती, उनको प्रॉब्लम नहीं होती बेसिकली, लिसनिंग से रिलेटेड या फिर विजन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन, ये किस प्रकार का द्वंद दिखाता है? तो ये आएगा उपागम उपागम द्वंद। मतलब दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो दोनों में से दो ऑप्शन जो बिल्कुल एक जैसे हैं उनमें से करेक्ट को चुनना। जहाँ आप समझते हैं कि बेसिकली कोई भी कम नहीं है दोनों में से, ऐसी चॉइस के लिए, जैसे मान लो आप चाहते हो कि किसी के बर्थडे के लिए आपको चॉकलेट देनी है, फ्लावर देने हैं, तो दोनों आपके अकॉर्डिंग ठीक हैं, अच्छे हैं, और उनमें से एक को चूज करना। निम्न में कौन सा किशोर अवस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसे कि एल्किंड द्वारा बताया गया है? लिशन, ये जो आपका नाम आया हुआ है एल्किंड, इससे रिलेटेड आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हैं। एल्किंड ने बताया था जो आपकी अडोलसेंस होती है उसमें इम्योच्योर थिंकिंग होती है, किस तरह का क्या होता है? तो बेसिकली आदर्शवाद आइडियलिज्म होता है, यहाँ पर वाद विवाद की प्रवृत्ति भी होती है, और अपने आप को विशिष्ट खास समझने के भी जो बच्चे होते हैं उसमें भी ये बेसिकली उनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है। इसमें सुनिश्चितता का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना, मतलब बेसिकली आपका
टीचिंग जो मेथड होगा कौन सा डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इसका आएगा प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एंट्रोपी यानी एरर ट्रायल का जो उसका मेथड था उसके अकॉर्डिंग पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट का किसके बराबर है। रेनफोर्समेंट कहाँ से होगा, देखिए उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम दोनों बाद की बातें हैं। सबसे बच्चे बच्चे के लिए रेडीनेस इम्पोर्टेंट है, तो जो इसका तैयारी का नियम है, तत्परता का नियम है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख कान हाथ व अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है संवेदी अंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप सेंसरी मोटर जो आपकी स्टेज है उसकी बात हो रही है, संवेदगामी अवस्था। तो चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ हमने 10 तक किया, क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, ओके 27, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है, तो सृजनात्मकता का जो निवेश सिद्धांत था वो किसका था, ये आएगा आपका स्टेनबर्ग एंड लुबर्ट का। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। किशोरों का यह महसूस करना, सभी मेरी ओर देख रहे हैं की संज्ञा दी जाती है। अभी मैंने बताया एलकाइन से जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए उनसे ये भी है, तो जो आपके बेसिकली अडोलसेंट्स पर्सन चाइल्ड होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ही, सभी मेरी ओर देख रहे हैं यानी कि सब जो है सबका ध्यान मेरी ओर है, तो ये आपका ऑप्शन होगा काल्पनिक दर्शन से। काल्पनिक दर्शक यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस, ऐसी सिचुएशन होती है जब बच्चा सोचता है, मान लो क्लास में आपने किसी स्टूडेंट को बुलाया और आप उसको बोर्ड पर लिखने के लिए कुछ सुनाने के लिए बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपने लुक को देख लेकर कि हाँ सबका ध्यान मेरी ओर है, दैट इज काल्पनिक दर्शक। हालांकि ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता लेकिन उनको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि की निम्न में से कौन से संकेत सर्वोत्तम है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, क्योंकि स्मृति से कविता याद करना, रटा वेकेशन हो गया, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, बेसिकली सिर्फ ग्रेडिंग के साथ इंटेलिजेंसी को नहीं लगा सकते, और पृष्ठ पोषण यानी कि एक बार आप रेमेडियल रीडिंग के बाद, रेमेडियल टीचिंग के बाद अगर कोई बच्चा गलती को नहीं दोहराता है, आई डोंट थिंक कि इसका आंसर इनमें से कोई होगा, कमेंट में बताइएगा, बट डाउटेड है। किशोर बालकों के दिवासपन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो आपके अडोलसेंट चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं, उनमें कौन सा जो है नहीं है पूछा गया है, उनका जो डे ड्रीमिंग होती है उनके बारे में कौन सी नहीं है, तो इसमें से देखिए खेल का सक्रिय भाग होते हैं यस, और भूमिका बेसिकली अपने आप को हीरो समझते हैं, ठीक है, मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज्यादा होती है, ये रॉन्ग है इसका, तो इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज्यादा, ऑब्वियसली बच्चे जो है मेंटल लेवल पे सोचते रहते हैं लेकिन उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निमित्त में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता, तो इनमें से शारीरिक संप्रचालन जो है वो नहीं होगा, बाकी सोचना समझना देखना सुनना ये सारे प्री फ्रंटल जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का उसके पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग से संबंधी है, तो ये देखिए जो आपका बेसिकली बोबो डॉल का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये किया था बंडूरा ने, और बंडूरा का जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी, बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक पार्ट था बोबो डॉल, जिसमें देखा था उसने 72 बच्चों को के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरीके से वो अग्रेसिवनेस दिखाते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, तो इसका आंसर होगा अपना 16 का होगा सेकंड वन। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने आंसर्स को मैच कीजिए,
और रिमेनिंग जो इसके 14 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी लेंथी हो जाएगी और फिर इश्यू आते हैं अपलोडिंग से रिलेटेड। ओके बाय, टेक केयर।